बड़ा इंसान कभी अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता है, उसके लिए दूसरे लोग लड़ रहे होते हैं। पारा पारी मार रहा है, यहाँ से मारा कहा कि उधर भागो लोग, सारा बिल्डिंग विल्डिंग टूट गया। अब उधर घुस गया, कहा इधर भागो लोग, उधर बिल्डिंग विल्डिंग टूट गया। यहाँ पे इन लोग को भी नहीं बुझाता है कि मारा सब 7 अक्टूबर को, बूढ़ा बच्चा सबको मार दिया। अरे मारो, किसी आर्मी से लड़ो ना, कौन दिक्कत है। एशिया का जंक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? यूरेशिया, जिसमें मेनली यूक्रेन, तुर्की और ये सब एरिया आते हैं, सब यूरेशिया में। यूरेशिया में, हालांकि यूरेशिया में ना आपका बेलारूस भी आएगा। कौन जानता है बेलारूस को? कोई खास तो जानता नहीं। बेलारूस रशिया का पपेट है। पपेट मतलब समझते हैं, पुतला, उसका उसी के हिसाब से काम करेगा। अगर रूस को किसी को मरवाना होता है ना, तो हथियार दे देता है बेलारूस को, अब बेलारूस उसको मार देता है। अब वो जब इसको मारने आता है तो रूस बचाने चल जाता है कि मेरे मित्र को मत मारो। बड़ा इंसान कभी अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता, उसके लिए दूसरे लोग लड़ रहे होते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आज इतना छोटका मोटकन को देखेंगे ना, ये अपने थूथूर लड़ते रहेगा। देखेंगे हम खूब थूथूर लड़ाएगा अपने। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या चलते हैं यूरेशिया की ओर। यहाँ पे भूमि विवाद, ये प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध यही हुआ। यूक्रेन अब बहुत बुरी तरह फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, जेलेंस्की की हालत खराब हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से यहाँ पर रशिया भारी पड़ेगा और यूक्रेन हारेगा। डोनाल्ड ट्रंप जीतते, जो बाइडन बच गया ना गोली लगी तो, जो बाइडेन चुनाव लड़ेंगे हार जाएंगे। अरे हारेंगे वहां पे, उनको जो बाइडेन की पार्टी नहीं जीतेगी। संभवतः 80% चांस है किसको जीतने की? डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें मरण हो जाएगा गाजा वालों का। समझ गया? दो लोगों को बहुत दिक्कत होगा, एक यूक्रेन वालों को, एक गाजा वालों। पूरा फुल सपोर्ट देगा किसको? इजराइल को। फुल सपोर्ट इजराइल को। जो बाइडेन उतना सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन कंप्लीट सपोर्ट देगा इजराइल को। तो यहाँ कौन जीतेगा? इजराइल। वो तो वैसे भी जीत रहा था, पारा पारी मार रहा है। यहाँ से मारा कहा कि उधर भागो लोग, सारा बिल्डिंग विल्डिंग तोड़ दिया। अब उधर घुस गया, कहा इधर भागो लोग, उधर बिल्डिंग विल्डिंग तोड़ दिया। यहाँ पे वो कंप्लीट गाजा को कभी मारेगा ही नहीं, क्योंकि वहां से वो मजदूर, सफाई कर्मी, जितना ही नीचे लेवल का काम है सब कहां से ले आता है? गाजा वालों। एक दिन का वीजा देता है, एक दिन आओ काम करके चल जाओ यहाँ पर। समझा गया? अदरवाइज में उन लोग को तो जानबूझ के तबाह करता है, बिल्डिंग वोल्डिंग तोड़ेगा, ये सब तोड़ेगा, कुछ रहे लोग ना, ताकि पैसा की अभाव हो जाए यहाँ पर। आ ई लोग को भी नहीं बुझाता है कि मारा सब 7 अक्टूबर को, बूढ़ा बच्चा सबको मार दिया। अरे मारो, किसी आर्मी से लड़ो ना, कौन दिक्कत। रूस यूक्रेन आर्मी आर्मी में लड़ाई हो रही है। तो जब दुनिया में इधर से बड़े बड़े कोई होते, बड़ा चेंजिंग आता है, तो दुनिया में भी समीकरण बनते बिगड़ते हैं। सब यहाँ पे यूरोप को डांट दिया ट्रंप, क्योंकि यूरोप वाली मीडिया वाले जेलेंस्की को डांट दिया। जेलेंस्की बोल रहे थे कि मोदी पुतिन से क्यों मिल रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि अब मोदी तुमसे पूछ के डिसाइड करेंगे किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। हकीकत है भाई, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले हम किससे मिलेंगे या किससे नहीं मिलेंगे? वो भी हमारे चाचा से, पुतिन चाचा, प्रिय चाचा। इमरान चाचा का तो बैल है, भी आकर के जेल चल गया।